तो बच्चों रिवीजन का टाइम अब आ चुका है, क्योंकि हर जगह जो है सिलेबस कंप्लीट हो चुका है या होने वाला है। इसके बाद एक प्रॉपर रिवीजन देना जरूरी है अपने हर सब्जेक्ट को। तो अनअकैडमी में पर जो है न्यू बैचेस हर हफ्ते लॉन्च हो रहे हैं रिवीजन बैचेस के। आप टॉप एडुकेटर्स के साथ एक प्रॉपर वे में अपने सब्जेक्ट का रिवीजन अच्छे से कर सकते हो। प्लीज ज्वाइन देयर बैचेस ऑफ द रिवीजन। तो पहले देखते हैं हम अल्कोहलिक ग्रुप का टेस्ट। आरती और साक्षी हमें दिखाने जा रहे हैं अल्कोहलिक ग्रुप के कंफर्मेटरी एंड सारे टेस्ट। सबसे पहला टेस्ट हमने किया है, अल्कोहल कंपाउंड लिया और उसमें सोडियम का एक छोटा सा पीस डाला। तो बिकॉज अल्कोहल्स आर एसिडिक इन नेचर, तो हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन गैस एंड आपको दिखाई दे रही होगी। दूसरा टेस्ट हम कर रहे हैं एस्टरीफिकेशन, जिसमें हमने अगेन थोड़ा सा कंपाउंड लिया और उसमें एसिटिक एसिड डाला एंड थोड़ा सा अमाउंट ऑफ 3-4 ड्रॉप ऑफ कंसनट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे एंड देन पूरे सॉल्यूशन को 5 to 10 मिनट आप बॉईल करेंगे अच्छे से। अब इस सॉल्यूशन को हीट करने के बाद कोल्ड वाटर लेकर बीकर में उसमें डालना है और फिर स्मेल करना। नेक्स्ट देखते हैं हम कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट, COH ग्रुप का टेस्ट। COH ग्रुप को टेस्ट दिखाने जा रहे हैं सचिन और मनीष। सबसे पहले हमने बेंजोइक एसिड, जिसमें हम ये चेक कर रहे हैं कि इसमें COH ग्रुप है, हमने लिया है बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड का एक्वा सॉल्यूशन बनाएंगे, हालांकि वो अच्छे से डिजोल्व नहीं होता, फिर भी हम शेक करके उसे डिजोल्व करेंगे जितना हो जाए एंड देन उसमें ब्लू लिटमस सॉल्यूशन डालकर चेक करेंगे कि वो एसिडिक मीडियम एसिडिक है नेचर में या नहीं। तो कन्वर्जन ऑफ ब्लू कलर इंटू रेड इज शोइंग दैट बेंजोइक एसिड में COH ग्रुप जो है दैट इज एसिडिक इन नेचर। यू कैन सी द टर्निंग ऑफ ब्लू इंटू रेड कलर। नाउ द सेकेंड टेस्ट इज कि आपने अगेन दोबारा कंपाउंड का एक्वा सॉल्यूशन बनाया, क्योंकि एक्वा सॉल्यूशन में ही रिएक्शन फास्ट होती है। उसमें हम डालेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट, तो CO2 की झाग निकलती हुई नजर आती है, इफर्वेसेंस के साथ निकलती है CO2 गैस। अगेन इट इज शोइंग दैट बेंजोइक एसिड इज हैविंग COH ग्रुप। चलते हैं तीसरे फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड पर, जो हमें दिखाने जा रहे हैं अतुल और गगन। पहला टेस्ट हमें सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप का करना है 2,4-DNP रिएजेंट डालकर। डाई नाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन एक ऐसा रिएजेंट है जो सिर्फ हमें ये बताता है कि हमारे कंपाउंड में एल्डिहाइड या कीटोन मतलब कोई भी कार्बोनिल ग्रुप है या नहीं। तो येलो कलर इज शोइंग दैट द कंपाउंड इज हैविंग द कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप। ये हमने डाला था DNP रिएजेंट। नाउ फॉर द सेकेंड टेस्ट वी आर टेकिंग द कंपाउंड अगेन इन द टेस्ट ट्यूब एंड वी आर एडिंग शिफ्ट रिएजेंट। इसकी हम एक दो ड्रॉप डालकर देखेंगे, पिंक कलर फॉर्मेशन भी कार्बोनिल ग्रुप का प्रेजेंस शो कर रहा है। अब हम करने जा रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन के बीच के डिफरेंस का टेस्ट, जो है फैलिंग 1 एंड 2, या जिसे हम फैलिंग A एंड B भी कहते हैं।
तो इसमें सबसे पहले फेलिंग वन और टू दोनों को इक्वल अमाउंट में आपको टेस्ट ट्यूब में मिक्स करना है। कंपाउंड अभी नहीं डालना, पहले आपको दोनों को इक्वल अमाउंट में मिक्स करना है, फेलिंग वन एंड फेलिंग टू को। अब इसमें हम कंपाउंड ऐड करेंगे जिसे हमें टेस्ट करना है कि वो एल्डिहाइड है या कीटोन है, और फिर 5 से 10 मिनट तक उसे हीट करना है। दिस इज द कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर द एल्डिहाइड, क्योंकि एल्डिहाइड ही इस टेस्ट को देते हैं, कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते। फैलिंग वन एंड टू एक वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। नाउ दे आर हीटिंग द सॉल्यूशन, तो ब्लू कलर धीरे धीरे रेडिश ब्राउन में चेंज हो रहा है। दैट मीन्स जो हमने कंपाउंड इसमें डाला था वो एल्डिहाइड था नेचर में। पहले दो टेस्ट आपको कार्बोनिल के हैं और ये टेस्ट है आपका एल्डिहाइड का। थैंक यू वेरी मच।